आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान, आतंकवाद के खिलाफ होना ही होगा सख्त। ये है पीएम मोदी का विश्व मंत्र, आतंकियों ने हमारी संसद को बनाया था निशाना। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में P20 सम्मेलन का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां अपना संबोधन दिया। पीएम ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, समय के साथ भारत की संसदीय प्रक्रिया में सुधार हुआ है। भारत ने G20 सम्मेलन का सफल आयोजन किया। पीएम मोदी ने कहा कि चुनावों में लोगों की भागीदारी बढ़ी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सख्ती बरतनी ही होगी। इस दौरान आतंकवाद का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये सबके विकास और कल्याण का समय है, हमें वैश्विक विकास के साथ संकट को दूर करना होगा और साथ ही मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना है। हमें विश्व को एक अर्थ, एक कुटुंब और एक भावना के नजरिए से देखना होगा। भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहा है। हाँ, आतंकियों ने हजारों निर्दोष लोगों की जान ली है। आतंकवादियों ने करीब 20 साल पहले हमारी संसद को भी निशाना बनाया था। उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी सांसदों को बंधक बनाने और उन्हें खत्म करने की तैयारी थी। भारत ऐसे अनेक आतंकी वारदातों से निपटते हुए यहाँ तक पहुँचा है। आतंकवाद की परिभाषा को लेकर वैश्विक जगत के हिपोक्रेसी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि आतंकवाद कितनी बड़ी चुनौती है। आतंकवाद चाहे कहीं भी होता है, किसी भी कारण से होता है, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के अलग कोनों में आज जो कुछ भी घट रहा है उससे कोई अछूता नहीं रहा। आज दुनिया संकटों से जूझ रही है और इन संकटों से भरी दुनिया किसी भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उसका समाधान एक दुनिया नहीं दे सकती। ये शांति और भाईचारे का समय है, साथ चलने और साथ बढ़ने का समय है। ये सबके विकास और कल्याण का समय है।